मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में कुछ जानकारी दे रहा हूं। मित्रों आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। क्यों लॉ बनाए जाते हैं? क्योंकि कोई भी ऑफेंस यदि कमिट होता है तो जो लॉ उस समय एग्जिस्टेंस में था उस पर ऑफेंस करने से क्या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये व्यवस्था दी जाती है। इसमें बीएन राव जो ड्राफ्टिंग कमेटी के उस समय थे उनका ये सुझाव था कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, वाइमार का कॉन्स्टिट्यूशन हो या यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें कुछ लॉस की व्यवस्था दी गई है जिनमें एक्सपोज्ड फैक्ट ऑफ लॉ कॉमन है, डबल जियोपारिटी कॉमन है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन कॉमन है। इसमें उन्होंने यही कहा कि इसको मैं एक साधारण से उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं कि जैसे कॉलेज का कोई स्टूडेंट नकल करते या चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है और कॉलेज के नियम के अनुसार उसको उस पेपर उसका नहीं जांचा जाएगा, डीबार कर दिया जाएगा, उसे वो पेपर दोबारा देना होता है क्योंकि ऐसे कॉलेज के नियम प्रिस्क्राइब होते हैं। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव नेचर के लॉज या रिट्रोस्पेक्टिव नेचर के लॉज को कोई भी किसी भी नेचर के लॉ को चाहे तो लेजिस्लेचर बना सकता है और कई लॉज इस तरह के बनाए जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव का अर्थ होता है भूतलक्षी प्रभाव, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं, तथा प्रोस्पेक्टिव अर्थात भविष्यलक्षी, जब कानून बनेगा उसके बाद जो लागू होगा वो प्रोस्पेक्टिव नेचर होता है और कानून बनने के पहले से उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है तो वो रिट्रोस्पेक्टिव या भूतलक्षी प्रभाव से कहा जाता है। तो आर्टिकल 21 की बात अगर हम करें तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, अर्थात कोई भी ऐसा कोई ऑफेंस होता है जो उस समय लॉ के अनुसार ऑफेंस है और क्रिमिनल लॉ से वो ऑफेंस है तो उसमें उसे उसी ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा तथा जो भी उसका पनिशमेंट है उसी से दंडित किया जाएगा। पिछले कोई भी लॉ या आगे के लॉ जो नए बनेंगे उससे उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात कहने का अर्थ यह है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोज्ड लॉ, अर्थात जो भी ऑफेंस उसने उस समय किया है उस समय कौन से लॉ एप्लीकेबल थे और उसमें क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब था उसी लॉ के अनुसार उस ऑफेंडर को दंडित किया जा सकता है। जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है वहां जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत आर्टिकल 367 कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के अनुसार जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण मामला हुआ था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, इसके अंदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों था तथा बाद में इसमें 1947 के लॉ के हिसाब से कोई ऑफेंस हुआ था उसको सजा मजिस्ट्रेट के द्वारा 1949 में कोई लॉज में अमेंडमेंट आने के कारण डबल पनिशमेंट दे दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी भूतलक्षी प्रभाव से उस पर उस मैटर क्रिमिनल मैटर है इफेक्ट नहीं होगा और क्रिमिनल मैटर के रिट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ लॉ से उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात 1947 में जो कानून उस पर लागू था वही उससे उसी कानून के अनुसार वो दंडित होगा, ना कि 1949 के आए हुए कानून के अनुसार। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल मैटर्स में लागू नहीं होते हैं। दूसरा आर्टिकल है 20 क्लॉज 2, इसमें ये कहा गया है कि ए मैन शुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर ट्वाइस, किसी भी सेम ऑफेंस के लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। यही व्यवस्था आर्टिकल 300 ऑफ दी सीआरपीसी में, सेक्शन 300 सीआरपीसी में कहा गया है पर्संस वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, एक सजा एक दंड के लिए होगी ना कि उसी दंड के लिए उसे दोबारा ट्वाइस दंड किया जाए। अर्थात ए मैन शुड नॉट बी पनिश ट्वाइस और कन्विक्ट ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस। तो इसमें दो तीन इसके इंग्रेडिएंट हैं, एक तो एक्यूज सिमिलर हो, प्रोसिक्यूशन उसका हो रहा हो और ऑफेंस में उसे सजा मिल चुकी हो तो दोबारा उसे उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 20 क्लॉज 2 कहलाता है। इसकी मैक्सिम है नेमो डेबिट बिस एक्सारी, प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क हो सकता है। इसी प्रकार एक अन्य मामला हुआ रतनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का, इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कहा गया है कि यदि कोई बेनिफिट एक्यूज को मिलता है उसका जरूर वो लाभ ले सकता है।
ये इसमें सजा कम कर दी गई थी। एक प्रकरण हुआ था मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें गोल्ड कस्टम्स वालों ने पकड़ा था, उसके द्वारा ये कहा गया कि मुझे डबल जियो पैराडी के तहत एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता, ये डिफेंस एक्यूज की ओर से ली गई, प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट मेरा हो चुका है। तो उन्होंने ये कहा कि फॉरेन से गोल्ड लाने पर बिना डिक्लेरेशन के गोल्ड को सीज विभाग द्वारा कर लिया गया था, 22 के लिए एक ऑफेंस हो और पनिशमेंट किसी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा दिया गया हो तो उसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि खुद के अगेंस्ट किसी भी व्यक्ति को एविडेंस देने के लिए, विटनेस बनने के लिए कंपेल या बाध्य नहीं किया जा सकता, नो मैन शुड बी बाउंड टू एक्यूज्ड हिमसेल्फ। नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल धानी का एक मामला था जिसमें पब्लिक अथॉरिटी के उन क्वेश्चंस का उसने जवाब देने से इनकार कर दिया था, तो माननीय ऊपर के न्यायालय द्वारा यही कहा गया कि अगर पब्लिक अथॉरिटी के समक्ष वो उन क्वेश्चंस का जवाब देने से मना करता है जो उसको किसी तरह से, तो उसे किसी तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ एविडेंस देने के लिए अगर वो हार्मिंग स्टेटमेंट है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, इन एडमिसिबल इन एविडेंस, अर्थात ऐसे कथन या साक्ष्य को ग्राह्य नहीं किया जाएगा। और इसी तरह थंब इम्प्रेशन है, राइटिंग है, स्पेसिमेन विटनेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तीन इंग्रेडिएंट्स है, चार्ज 20 क्लॉज 3 के अधीन उसके अगेंस्ट होना चाहिए, एविडेंस और विटनेस वो स्वयं हो और आप खुद के अगेंस्ट उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर मैंने आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियो पैराडी तथा सेल्फ इंक्रिमिनेशन जैसे प्रिंसिपल्स को बतलाने का प्रयास किया, जो कि आयरिश वायमार कॉन्स्टिट्यूशन तथा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉमन है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि मैं ये आर्टिकल 20 आपको समझाने में सफल हुआ। और आपसे अनुरोध है यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।